Hi and welcome everyone. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today I'm going to give you a list of phrases and some sentences that will be quite helpful for you in your daily life. Let's get started. Giving and receiving compliments. ये आज का हमारा टॉपिक है. हम अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे या तो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं या तो ले रहे होते हैं. जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स देने होते हैं तो जिस बंदे को हम दे रहे होते हैं वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि ये अब गुड कहेगा या ये अब नाइस कहेगा. गुड या नाइस कोई ब्रेव वर्ड्स नहीं है, मगर हम अपनी इन वर्ड्स को रिपीटेडली यूज़ कर करके उन पे ऐसा कुछ इम्प्रेशन ऑलरेडी रख के बैठे हैं कि वो समझते हैं कि अब ये यही वर्ड कहेगा, इनके अलावा और कुछ नहीं कहेगा. आज इस लिहाज से हम आपके सामने एक लिस्ट ला रहे हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेगी कॉम्प्लीमेंट्स देने में और कॉम्प्लीमेंट्स लेने में. सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स देने की. कॉम्प्लीमेंट्स जब आपको देने हैं तो इस तरह के आप फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. गुड जॉब. गुड जॉब मतलब कोई बंदा एक अच्छा काम करता है और आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, गुड जॉब. वेल डन. वेल डन मतलब किसी बंदे ने एक ऐसा काम किया है जो आपको डिलाइट कर रहा है, आपको खुश कर रहा है और आप कहते हैं कि वेल डन. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक आप ऐसे काम के लिए या ऐसे बंदे के लिए कह सकते हैं जो काम, जो बंदा आपकी फैंटेसी में हो और वो आपके सामने आ जाए. दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट का मतलब है कि आपकी नज़र में बहुत ही आला काम हुआ है. नाइस वर्क. नाइस वर्क मतलब ऐसा काम हुआ है कि आप खुश हैं. एक्सेलेंट. एक्सेलेंट ऐसा काम है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी नज़र में मैजेस्टी के काबिल हो. दैट्स रिमार्केबल. दैट्स रिमार्केबल मतलब ऐसा काम, ऐसा बंदा, ऐसी गाड़ी आपके सामने आ गई है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट देने पे मजबूर हो गए हैं. व्हाट नाइस ड्रेस. व्हाट नाइस ड्रेस का मतलब है कि एक ड्रेस आपने किसी बंदे पे देख ली और आपको बहुत ही भा गई, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि व्हाट नाइस ड्रेस. यू लुक ग्रेट. यू लुक ग्रेट आप ऐसे बंदे को कह सकते हैं, ऐसे बॉय को कह सकते हैं, ऐसी गर्ल को कह सकते हैं जो आपको बहुत ही इम्प्रेस करके बैठा है. दिस शर्ट लुक्स नाइस ऑन यू. दिस शर्ट लुक्स नाइस ऑन यू का मतलब है कि ये शर्ट आप पे बहुत सज रही है. आई लाइक योर हेयर कट. किसी बंदे आजकल बहुत ही मुख्तलिफ हेयर कट स्टाइल्स आ गए हैं मार्केट में, तो आप किसी का हेयर स्टाइल देख के इम्प्रेस हो गए और आप कह सकते हैं आई लाइक योर हेयर कट. व्हाट अ पोज. एक बंदा बैठा है सामने आपके और आपको पोज दे के बैठा है, आपके हाथ में कैमरा है और आप कह सकते हैं कि व्हाट अ पोज. या फेसबुक पे आपने किसी की पिक्चर देख ली और आपको कमेंट देना है, इस तरह से कह सकते हैं व्हाट अ पोज. अब यही फ्रेजेस कोई आप पे यूज़ कर रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तो आप रिप्लाई इस तरह से कर सकते हैं. हाउ काइंड ऑफ यू. हाउ नाइस ऑफ यू. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. ग्लैड टू हेयर दैट. इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ब्यूटी, आपकी लाइफ में ब्यूटी लाती है. इस पर काम करें. आपकी लाइफ में जो ब्यूटी है उसको इन्हांस करती है. अपनी जो पर्सनालिटी है आपकी उसको इन्हांस करती है. जितना आप ज़्यादा इस पर काम करेंगे उतनी ही पर्सनालिटी आपकी इन्हांस होगी. हम आपके सामने इस किस्म के टॉपिक्स ऐसे टर्म्स लाते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.